Okay. भाई मुझे लग रहा है, मतलब नहीं भाई, भाई मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे जो डबल रोल करने वाले देश में हुए, ये दुमहुआ साहब, जिसको दुमहुआ दुमहुआ साहब कहते हैं, अपने तो जाते हैं बालाजी तिरुपति में बेटे का मुंडन कराने के लिए, क्योंकि वो स्वीकार हो जाए, मैं कहीं शादी किया है किससे किया है मुझे ये मालूम नहीं, बेटे को मुंडन कराने के लिए दादा और पोता और पूरा परिवार, माँ दादी सब जाती है बालाजी तिरुपति मंदिर, क्या यहाँ नहीं हो सकता था? मैं ये कह रहा हूँ, ये श्रद्धा की बात है, ये श्रद्धा की बात है, ये कहने वाले मूड अपने जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, जनता को बलगलाने वाले लोग हैं। हमारा जो धाम है, चारों धाम है, हमारा जो तीर्थ स्थल है, वो तीर्थ स्थल हमारे पूजनीय होते हैं। और जहां तक अस्पताल की बात इन्होंने कहा, ये स्वास्थ्य मंत्री है, कौन सा अस्पताल बिहार में चल रहा है, लेकिन वहां आज भी चिकित्सालय चल रहा है। हमारे इस राम कर्मभूमि पर आज 3 साल हो गए कोविड कालखंड से, यहां श्री राम कर्मभूमि के द्वारा यहां सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि मुफ्त दवाई और टेलीमेडिसिन की सुविधा इस बक्सर अस्पताल में भी हमने 7 साल पहले दिला, उस उन गाड़ियों में भी है, मुफ्त दवाइयां बट रही है। ये क्या हो रहा है? ये तीर्थ, ये रामेश्वरनाथ भगवान के द्वारा या राम जो हमारे अयोध्या में विराजमान होंगे, वहां भी अस्पताल की व्यवस्था हो रही है, तो इनको समझ में नहीं आता है। ये अस्पताल पहले अपना चलावे, बिहार का अस्पताल जहाँ रुई नहीं है, जहाँ लोगों को इलाज नहीं होता है, लोग मर रहे हैं, और ये अस्पताल की बात करते हैं, डबल रोल करने वाले ये दुमहुआ साहब, मतलब आम लोग जो गरीब लोग हैं उनको क्यों नहीं आप उसको बरगलाने का काम, ये मूर्ख बनाते हो और कहते हो कि मंदिर जाकर के क्या होगा? क्यों गया था बालाजी तिरुपति मंदिर अभी पोते का मुंडन कराने, क्यों गया था? जवाब दो जनता को। ये दुमहुआ साहब है, ये लोग इसके फेरे में मत आइए।